हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सचिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे जो लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं, वह अभी कोरोना या फिर कोविड-19 से ही संबंधित रहे हैं, और मैं यह जो श्रृंखला है इसे मैं आगे बनाए रखूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी के बीच कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं या फिर जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको मैं काफ़ी आसान और सरल भाषा में लेकर आऊँ। और खास तौर पे यह कोशिश रहेगी मेरे उन मित्रों के लिए जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह जो टॉपिक है वह है कोरोना या फिर कोविड-19 से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज पर। दोस्तों, ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जिन्हें आपने न्यूज़पेपर हो या फिर न्यूज चैनल्स उसमें जरूर सुना होगा, लेकिन हम लोगों ने उसे स्किप कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमें यह स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम एक पीएससी, यूपीएससी या फिर अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के एस्पायरेंट्स हैं, और हो सकता है कि इन टर्मिनोलॉजीज में से कोई एक सवाल के रूप में हमारे क्वेश्चन पेपर में आए और या हमसे ना बने, जस्ट बिकॉज वी स्किप दैट इन पास्ट। सो दोस्तों, हमें स्किप नहीं करना है और इसे हम समझते हैं आगे चरणबद्ध तरीके से और बात करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज की। चलिए बात करते हैं हम हमारे पहले टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि है एंडेमिक्स। दोस्तों, एंडेमिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एन और डिमोस। दोस्तों, एन का मतलब होता है इन या फिर विद इन, जबकि डिमोस का मतलब है पॉपुलेशन। तो दोस्तों, ऐसा रोग, ऐसा बीमारी या फिर ऐसा संक्रमण जो कि किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष या फिर किसी स्थान विशेष पर ही उत्पन्न हो, और यह जो उत्पन्न बीमारी है वह उसे स्थान पर ही लिमिट हो, और कुछ समय बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद यह जो बीमारी या फिर एक संक्रमण है वह वहां पे खत्म हो जाए, तो इसे हम कहते हैं एंडेमिक्स। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो अमेरिका में चिकन पॉक्स को हम लेते हैं एंडेमिक्स के अंदर, और वैसे ही साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में मलेरिया, इसे हम एंडेमिक्स के रूप में लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया एंडेमिक्स। अब आगे बात करते हैं आउटब्रेक। तो ये आउटब्रेक है क्या? तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, एंडेमिक्स में क्या है कि एक व्यक्ति या फिर किसी विशेष समुदाय या फिर किसी विशिष्ट स्थान पर ही क्या हुआ, कोई रोग या कोई बीमारी या संक्रमण उत्पन्न हो रहा है और वो वहां पे फैल रहा है। तो दोस्तों, अगर इसी बीमारी या इसी संक्रमण में कोई अप्रत्याशित वृद्धि हो, अप्रत्याशित वृद्धि मतलब काफी हाई रेट पे वो वृद्धि हो रही है और इस पे हमने कंट्रोल नहीं कर पाया, तब यह जो घटना है वह कहलाती है आउटब्रेक। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एंडेमिक्स और आउटब्रेक क्या है। सारे जितने टर्म्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और अभी आगे दो टर्म्स और बताने वाला हूं, वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आगे जो मेरा जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, वह है एपिडेमिक्स। दोस्तों, एपिडेमिक्स भी एक ग्रीक शब्द ही है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एपी और डेमोस अगेन। लेकिन यहाँ पे एपी का मतलब होता है अपॉन, एंड डेमोस अर्थात जो मैंने पहले बताया वह क्या है, पॉपुलेशन। तो दोस्तों, इसमें भी ऐसे रोग या बीमारी या जो संक्रमण है वह क्या होगा, किसी व्यक्ति विशेष पे लिमिट नहीं होगा, किसी समुदाय विशेष पे लिमिट नहीं होगा, बल्कि यह उस लिमिट से बढ़कर जो लोग हैं उनके ऊपर फैलता है, और यह इसके जो फैलने की दर है वह काफी तेज होती है। तो इसे हम कहते हैं एपिडेमिक्स, और एपिडेमिक्स से आप लोग काफी भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि यह एक काफी वेल नोन और काफी प्रचलित भाषा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है महामारी। अब हम आगे बात करते हैं पैंडेमिक्स के संबंध में। तो दोस्तों, पैंडेमिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पैन एंड डिमोस। पैन का मतलब होता है ऑल और डिमोस का मतलब है पॉपुलेशन। दोस्तों, यह जो पैंडेमिक्स है यह एपिडेमिक्स का ही एक रूप है, और यह जब एपिडेमिक्स बहुत सारे कंट्रीज या फिर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में अगर फैल जाए, इसके जो फैलाव या स्प्रेड का जो दायरा है वह काफी विस्तृत हो जाए, तब इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी रेफर करते हैं, और वह टर्मिनोलॉजी कहलाता है पैंडेमिक्स। अब यदि हम इसे दूसरे तरह से समझना चाहें तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि पैंडेमिक्स में जो पहला शब्द है पी, इसे हम ऐसे समझते हैं कि एपिडेमिक्स हैज अ पी और अ पासपोर्ट टू ट्रेवल अक्रॉस द कंट्रीज। दैट मीन्स एपिडेमिक्स यदि एक देश से दूसरे देश या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रेवल करता है या वो फैलता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, पैंडेमिक्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक ऑन कोविड-19 एंड दीज फोर टर्मिनोलॉजीज। फ्रेंड्स, आई विल ट्राई टू मेक इट इजियर बाय डिफरेंशिएटिंग दीज फोर टर्मिनोलॉजीज विद रिगार्ड्स टू कोविड-19। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यह ज्ञात है कि कोविड-19 का संक्रमण
इसका पहला केस हमें चीन के वुहान शहर में नजर आया था। वुहान शहर के एक छोटी सी जगह पे जब यह बीमारी फैली तब यह कुछ ही लोगों में यह संक्रमण देखे गए और इस कंडीशन को हमने क्या कहा, एंडेमिक्स। अब यही एंडेमिक्स, इस एंडेमिक्स में एक अप्रत्याशित वृद्धि देखी जाती है और बहुत ही जल्द यह बहुत सारे लोगों में संक्रमण फैलने लगता है, तब इसे हमने क्या कहा, आउटब्रेक। लेकिन आउटब्रेक के पश्चात चूंकि कोविड 19 का यह संक्रमण है, इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई फिर वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है या फिर इस पे असर नहीं करता, इस कारण से यह जो बीमारी है या जो संक्रमण है यह बहुत जल्द वुहान शहर के संपूर्ण लोगों में या संपूर्ण वुहान शहर पे फैल गया और इस कंडीशन को हमने क्या कहा, एपिडेमिक्स। क्योंकि एज कम्पेयर टू एंडेमिक्स एंड आउटब्रेक यह बहुत बड़े पैमाने पर फैलने लगा था और काफी सारे लोग इससे संक्रमित हुए। अब बात करते हैं पैंडेमिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो लोग बाहर देश से चीन के वुहान शहर में ट्रेवल किए या जो चीन से किसी दूसरे देश पे गए हैं, उन्होंने जाने अनजाने इस कोविड 19 के संक्रमण का क्या किया है, ट्रांसफर किया है दूसरे देशों में, उसे क्या किया है, स्प्रेड किया है। और इस वजह से यह जो कोविड 19 का वायरस है वह एक देश से दूसरे देश पहुंच गया और दूसरे देश पहुंचकर इस कोविड 19 ने अपना संक्रमण वहां फैलाया और दूसरे देश भी इस संक्रमण से संक्रमित हो गए। और इस प्रकार से यह एपिडेमिक्स किसी दूसरे देश में पहुंचा है और यह कलेक्टिव वे से हमने इससे क्या कहा, पैंडेमिक्स। क्योंकि यह जो एपिडेमिक्स है वो अब दूसरे देश, दूसरे कंट्री या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट्स में पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस फोर टर्मिनोलॉजीज, एंडेमिक्स, आउटब्रेक, एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स। मुझे यह उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जो सेशन था काफी अच्छा लगा होगा और ये जो चार टर्मिनोलॉजीज है इसके बारे में आपको काफी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप लोगों ने इसमें डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा और इसे समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपको काफी एंटरटेनिंग लगा होगा। इफ सो देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। विल मीट यू सून विद आवर न्यू वीडियोस। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।